साहिबगंज पुलिस आमजनों की शिकायत का निपटारा करने और पुलिस पब्लिक के बीच रिश्ते सुधारने के उद्देश्य से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत साहिबगंज के टाउन हॉल में शिविर का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दुमका जोन के IG क्रांति कुमार उपस्थित रहे, जहां सभी थाने के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें लोग पहुंचकर अपनी शिकायत से संबंधित निबंधित करा रहे थे। कई मामलों का सुनवाई स्वयं IG ने भी किया। इसी कड़ी में बोरियो थाना के एक आत्महत्या और हत्या मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया। IG क्रांति कुमार ने कहा कि पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के निर्देश पर राज्य में पुलिस पर जनता का भरोसा जीतने के लिए यह कार्यक्रम की शुरुआत है, जिसमें लोगों का काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। यह कार्यक्रम अलग अलग फेज में चलाया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। देखें एक रिपोर्ट। इसमें टोटल जो कार्यक्रम है वो 300 के जो जमीन या अन्य छोटे मोटे विवादों से उनका तत्काल जो पुलिस कर सकती है, पुलिस का अपना पार्ट है जो प्रिवेंटिव एक्शन और इसके भी डायरेक्शन सबके द्वारा भी दिया गया और जो वहाँ पर जो कर हम लोग कर रहे हैं आज ही हम लोग का प्रमोशन नहीं है। इन और मामले जो केसेस में एक्शन का है, जैसा आप लोगों ने देखा तो आ भी रहा है सबके डायरेक्शन पर, इसमें एक्शन नहीं था तो तुरंत ही उसका निपटारा हुआ, अरेस्टिंग भी हुई और भी अरेस्टिंग हुई, बाकी हम लोग रात में आपको डिटेल शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने करीब अभी तक 40 मामलों का निपटारा कर लिया है और बाकी से मामलों में सीधे सीधे हमारे से संबंधित नहीं है, या हम लोग पार्ट एंड पार्सल है उस प्रॉब्लम के, तो हम अपना पार्ट अगले 1-2 दिनों में निभा देंगे और अपना हम लोग प्रोसेस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जनता को पुलिस से आम शिकायत होती है कि हम जाते हैं थाने में कोई शिकायत नहीं करें तो कोई रिसीव नहीं देते, या हमको पता नहीं चलता है कि मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई है और हम किससे पूछेंगे क्या कार्रवाई नहीं होती तो क्यों नहीं। इसी समस्या को देखते हुए बीजेपी सर के निर्देश पर ये कार्यक्रम स्पेशली चला है। जैसा आप लोग सुबह से देख रहे होंगे कि जो भी जनता शिकायत लेकर आ रही है उनको एक हम लोग पावती रसीद दे रहे हैं, इसमें उनको ये बताया जा रहा है कि उनका जाँच पदाधिकारी उनका मोबाइल नंबर भी हम लोग उनको हम लोगों ने असाइन किया, तो अगले दिनों में जब उनको ये होगा कि हम पता करें कि हमारे जाँच में क्या हुआ, मामला सच पाया गया झूठ पाया गया, और अगर सच पाया गया तो प्रिवेंटिव एक्शन हुआ है FIR हुआ या आगे क्या कर रहे हैं वो अपने जान सकेंगे, अपने जो साथी जो भी थाना के पदाधिकारी है उनसे। और हम लोगों ने आपने देखा होगा कि परमानेंट रिकॉर्ड भी बनाया है, ऐसे बहुत सारे मामले थाना में आते हैं जो सीधे FIR में टर्न नहीं, बहुत सारे मामले में पुलिस एक सहयोगी की भूमिका निभाती है। वैसे सभी मामलों के लिए रजिस्टर भी बनाया गया है कि उस कंप्लेंट पे क्या हुई, आगे कार्रवाई क्या हुई, उसका निपटारा कैसे हुआ। और आपको जानते खुशी होगी कि इसका एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट यानी हर 15 दिन में पुलिस मुख्यालय द्वारा भी इसकी समीक्षा की जाएगी और वहाँ पर हम लोग रिपोर्ट होंगे। एक पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म बनाया गया, एक नई प्रक्रिया बनाई गई है कि जो सीधे सीधे पुलिस से मुद्दे हैं उस पर तो कार्रवाई होनी होती है, लेकिन पुलिस के तो वैसे ही मामले जो पुलिस के समक्ष आते हैं सीधे पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, उस पर भी पुलिस जो करेगी या कार्रवाई करेगी एज ए सहयोगी के रूप में एज अ फ्रेंड के रूप में जनता की, वो भी कार्रवाई हम लोग लिपिबद्ध कर सकेंगे और उसको मॉनिटर कर सकेंगे। जितना भी शिकायत है थाना में उसको पंजीकृत किया जाएगा, एक एडवाइस आपको दिया जाएगा, अगर कोई ऑनलाइन में या मेल के द्वारा भी अगर आपका शिकायत दे देंगे उसको भी पुलिस रिसीव करेंगे, उसका भी समाधान करेंगे और हर एक शिकायत को हम लोग एक समय के अंदर उसमें जांच करके जो भी जांच पड़ताल करके सही कार्रवाई जो करना उसको करेंगे। और जहां जिस आप लोग शिकायत का अगर FIR दर्ज करना है वो भी हम लोग पुलिस के द्वारा थाना में FIR दर्ज करके उसके समय का हम लोग निर्देश किया है कि सभी बड़ी पदाधिकारी कोई थाना प्रभारी बहुत सारा उसके बारे में बहुत सारा उनके लोग पता भी नहीं चलता।
महिला सुरक्षा का संबंध में जितना भी निकाय कचरा जल्द भी इसका समाधान करेंगे। और बहुत सारा पुलिस का अंतर पुलिस द्वारा हम लोगों ने 112 डायल 112 भी शुरू किए हैं, बहुत लोग इसका जानकारी नहीं है। तो कहीं से भी कोई भी अगर घटना घटते हैं, कोई भी क्राइम होता है, तुरंत आप लोग वहाँ करेंगे या जहाँ घटना से पहले से आप लोग 112 को तुरंत फोन करेंगे, आपका पुलिस आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मंडल काजीपुर दुमका जिला से था, अपनी लड़की के साथ ही बोरियो थाना में रोहित शाह के साथ किया था। उसके बाद बड़ा दिन तो बढ़िया रखा, उसके बाद प्रताड़ित करने लगा, लास्ट में सर मार के फेंक दिया, सर हॉस्पिटल में लाके छोड़ दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, 19 तारीख का ये कांड है, सब ऐसे खुले हम घूर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इसके संरक्षण दे रही है पुलिस इसके थाना के द्वारा। तो यहाँ आप आए हैं, गिरफ्तारी होगी सर, सुपरविजन क्या क्या बोल रहे हैं, ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी।